Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss miscellaneous exercise of chapter 9. It is based on the AP and GP, arithmetic progression and geometric progression and the sum of some special series. Okay? So let us start. First question kya hai? Show that the sum of m plus nth and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term. Dekho. उसने बोला है सम, किसका सम? दो टर्म्स का। कौन कौन सी टर्म्स? कौन कौन सी टर्म्स? देखो ए या टी भी लिख लेते हैं हमारा ऐसे टी। अरे क्या हो गया तेरे को? व्हाट यू विल डू हियर, टी पी एम प्लस एन प्लस टर्म एम माइनस एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी एम टर्म, है यही है। ठीक है, अब ये कह रहा था सम ऑफ द एम प्लस एन टर्म एंड एम माइनस एन टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एम टर्म। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू हियर, एम प्लस एन टर्म को क्या लिखोगे आप? व्हाट यू विल राइट इट, अब इसका फॉर्मूला लिख दो। आपने पढ़ा है फॉर्मूला ए एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो आप ऐसे यहां पे इसको लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम इसकी, और यू विल राइट हियर ए प्लस एन माइनस वन है ना, एन की जगह पे है क्या है एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डी डी इसका डी ले लिया कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म क्या ले ली, ए प्लस एम माइनस वन, सॉरी क्या था यहां पे, एन की जगह पे क्या है एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी, है दिस यू विल टेक। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है, प्लस ए प्लस एम डी माइनस एन डी माइनस डी। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, देखो ए प्लस ए, ए प्लस ए कितना हो जाएगा टू ए, एम डी प्लस एम डी टू एम डी, एन डी प्लस एन डी के साथ एन डी क्या हो गया कैंसिल हो गया जी, एन डी के साथ एन डी क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, नाउ माइनस डी माइनस टू डी माइनस टू डी। ठीक है, अब टू कॉमन निकाल दो तो ये क्या रहेगा a प्लस एम डी माइनस डी। अब फिर क्या करो, टू यहां से फिर क्या निकालो, a प्लस डी कॉमन निकाल दिया मैंने, तो ये क्या रहेगा m माइनस वन इंटू डी। अब ये किसका फॉर्मूला होगा, देखो अगर मैं इसको खोलूंगा इसको तो ये क्या आएगा, देखो टी एम टू है ना यहाँ पे, तो टू रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, यही लिखोगे और यही आ गया, देखो ये तो ये क्या हो गया टू, ये क्या बन गया टी एम, ये कौन सी टर्म बन गई इसकी एमथ टर्म, ये किसका फॉर्मूला है एमथ टर्म का, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ विल स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नोटेड डाउन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रीड सेकंड क्वेश्चन केयरफुली। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 24 इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 फाइंड द नंबर्स। देखो जब भी सम दिया होता है ना एपी का, वैसे तो हम ये टर्म्स भी ले सकते हैं, कौन सी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, लेकिन मैंने आपको टेंथ में भी सिखाया था, आपने क्या करना है व्हाट यू विल डू, जब थ्री टर्म्स का सम दिया होगा ना तो वहां पे हमने टर्म्स कौन सी ले लेनी है, हम टर्म्स ये ले लेते हैं ना, लेट थ्री टर्म्स आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, अब अगर फोर हो तो फोर के लिए मैंने बताया हुआ है ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, है ना, ऐसे ले लेते हैं हम टर्म्स, अगर फोर टर्म्स हो ना ए माइनस टू डी से स्टार्ट करोगे, लेकिन यहां पे थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स के लिए हम ये ले लेंगे, लेट दीज आर द थ्री टर्म्स, है ना। अब क्या बोला है उसने,
इफ द सम ऑफ द थ्री टर्म्स इन एन एपी इज 24, इनका सम क्या है 24, सो लेट अस सी इसका सम क्या हुआ, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 24। तो यहां से डी के साथ डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू कह रहा जाएगा 24, a इज इक्वल टू कह रहा गया 8, a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 8, है ना। यही फायदा है इसका, अगर हम वो लेते अगर ये ले लेंगे तो इसमें कैंसिल नहीं कुछ होगा, बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो आपने याद रखना है अगर थ्री टर्म का सम दे रखा तो आप ये ले लो वो एपी की ए माइनस डी ए ए प्लस डी ये ले लो, ठीक है सिंपल। नाउ और क्या बोला था, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इनकी प्रोडक्ट है ए माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज गिवन व्हाट, प्रोडक्ट इज 440। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आप ए की वैल्यू पुट कर दो तो ए क्या हो जाएगा, देखो 8 माइनस डी इंटू टू एट प्लस डी इज इक्वल टू 440। ये टू यहां से हटा के इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो गया 220। अब यहां पे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे हम, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर क्या हो गया 64 माइनस डी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 220। ठीक है, नाउ 64 माइनस 220 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने गलती तो नहीं कर दी यहां पे कोई, ए इज इक्वल टू क्या था 8, 8 माइनस डी 8, अच्छा अच्छा यहां पे 8 था, सॉरी मैंने 2 लगा दिया एक ये का पे, यहां पे क्या था 8 था, यहां पे क्या आना 8 आना था, ठीक है इसलिए ये गड़बड़ हो गई, 8 था यहां पे मैंने 2 लिख दिया था, तो ये 440 ये था 8 था यहां पे एक ही जगह पे, तो 8 आ गया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 8 5 40 55 आएगा भाई, ठीक है मिस्टेक होगी यहां पे मैंने 2 लगा दिया था, ठीक है तो ये क्या हो गया ये, है ना। नाउ व्हाट विल बी देयर, 8 यहां से हटके उधर चला गया डिवाइड हो गया, अब यहां पे फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो अब 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो इसको माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 3 आ गया। तो अब यहां पे इसकी वैल्यूज निकालो, ये नंबर्स ढूंढने थे हमें, तो एक बार क्या ले लो a इज इक्वल टू 8 एंड d की वैल्यू क्या ले लो 3 ले लो पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा देखो 8 माइनस 3 5, यहां पे पुट कर दो ना वैल्यूज, ये फाइंड आउट करना था 8 माइनस 3 5 और 8 फिर 11, ठीक है ये आ गई, और दूसरी बार यहां पे माइनस ले लो, तो ये आप निकाल लोगे खुद, है ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा देखो 8, अरे भैया ठीक है यहां पे इसमें पुट कर दो ना ए की वैल्यू क्या है 8 माइनस 3 11 हो जाएगा आई थिंक जी, ठीक है ना, यहां पे ए की वैल्यू क्या लिखोगे 8 माइनस माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 11 हो गया, फिर आप इसमें ए की जगह पे क्या था 8 8 हो गया, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस डी 8 प्लस माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना 11 8 5 और 5 8 11 ये हो जाएगा, ठीक है ये था आंसर, अब आंसर चेक कर लेना एक बार, ठीक है 5 8 11 11 8 5, ठीक है तो ये आप कर लोगे ना खुद। नाउ नेक्स्ट सम देखो, रीड नेक्स्ट सम केयरफुली, बड़े आसान सवाल है ये, दीज ऑल आर ऑन द बेस्ड ऑन द 10th क्लास। Now, yes, third sum, let the sum of n terms, 2n terms and 3n terms of an AP be S1, S2 and S3 respectively. देखो ये क्या है, let the sum of n terms,
अगर मैं यहां पे ये लिखू ना एस एन, तो ये क्या है एस वन, उसने ये बोला है, और एस टू एन, सम ऑफ टू एन टर्म्स इज इक्वल टू क्या है एस टू, और सम ऑफ थ्री एन टर्म्स एस थ्री एन इज इक्वल टू एस थ्री, और वी हैव टू शो दैट एस थ्री इज इक्वल टू थ्री एस टू माइनस एस वन, ये शो करना है आपने, है ना, दिस वी हैव टू शो, ठीक है। तो एस एन वन है, एस टू एन टू है, एस थ्री एन थ्री है, एस थ्री है ना, तो कोई बात नहीं, वेरी सिंपल। आप ये लगा दो, देखो यहां पे ये प्रूव करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मैं राइट हैंड साइड उठा रहा हूं उसकी, राइट हैंड साइड उठा ली हमने, उसमें क्या था थ्री एस टू माइनस एस वन, ठीक है, ये था, थ्री को ऐसे ही चलते रहने दो, अभी भूल जाओ थ्री को, ठीक है, थ्री को तो भूल जाओ अभी, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे हम, यहां पे एस टू का फॉर्मूला इसको सॉल्व करते रहो, ठीक है, एस टू है, यस, एस टू का फॉर्मूला क्या होगा, एस टू किसकी जगह, ये एस टू एन है, एस टू एन है ना, एस टू जो है वो एस टू एन के इक्वल है, और एस टू एन को कैसे लिखोगे, एस टू एन को कैसे लिखेंगे, टू एन, एन बाय टू ये लिखोगे ना, एन बाय टू टू ए प्लस एन टू एन माइनस वन इंटू डी, ये लिख दिया हमने यहां पे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया एस टू की जगह पे, फिर माइनस, और ये याद रखना कि यहां पे ना ये थ्री सबके बाहर है, ठीक है, तो ये आ गई यहां पे, सॉरी ये यहां पे नहीं आएगी क्योंकि थ्री सबके बाहर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा अब एस वन, एस वन का फॉर्मूला एस एन, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया जी यहां पे, ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा मैंने, यहां पे एस टू, एस टू किसके इक्वल था एस टू एन के, तो एस टू एन का फॉर्मूला लगा दिया यहां पे ना, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखो जी व्हाट यू कैन डू, देखो इधर यहां पे भी n बाय टू है, यहां पे भी n बाय टू है, ये बाहर ले लिया मैंने, n बाय टू क्या ले लिया बाहर, थ्री इंटू एन बाय टू, ठीक है, अब ये टू बचा यहां पे, तो n बाय टू मैंने सबसे बाहर ले लिया, ठीक है, वैसे कैंसिल भी हो सकता है लेकिन मैंने बाहर ले लिया n बाय टू, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है वहां पे, कहां पे एस थ्री में, ठीक है। नाउ यहां पे क्या बचा, टू बच गया, टू को इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा फोर ए टू फोर ए प्लस टू एन डी है फोर एन डी माइनस डी टू डी, कुछ नहीं किया भाई साहब, यहां पे टू बचा था, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, टू टू जार फोर ए आ गया, यहां पे टू एन डी आना था, फोर एन डी आ गया, माइनस डी था टू डी आ गया, ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने, माइनस ये माइनस है, यहां पे भी वैसे ही करो आप, माइनस टू ए आ गया, यहां पे एन डी आना था प्लस का माइनस एन डी, माइनस डी आना था यहां पे क्या गया प्लस डी आ गया, ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, यहां तक सॉल्व हो सकता है, तो हाउ यू कैन राइट इट, थ्री एन बाय टू, तो ये क्या हो गया यहां पे फोर ए माइनस टू ए, टू ए आ गया, फोर एन डी माइनस एन डी प्लस थ्री एन डी आ गया, माइनस टू डी प्लस डी माइनस डी आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा देखो इधर, थ्री एन बाय टू, यहां से टू ए प्लस डी कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा थ्री एन माइनस वन इंटू डी। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई आपके सामने है, अगर मैं इसको एस थ्री को लिखूंगा, एस थ्री किसके इक्वल था एस थ्री एन के, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा एन बाय टू, एन की जगह पे क्या है थ्री एन, एन बाय टू टू ए प्लस एन थ्री एन माइनस वन इंटू डी, यही तो बनेगा, इसी का फॉर्मूला बन गया ने, सो नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर, तो ये क्या बन जाएगा व्हाट विल बी दिस एस थ्री एन, तो ये क्या बन गया एस थ्री एन, तो ये किसके इक्वल था एस थ्री के, दिस इज इक्वल टू व्हाट एस थ्री, तो इसको क्या लिख दोगे एस थ्री लिख दोगे, ठीक है, तो ये बन गया ये हमारा सवाल, नोट इट डाउन।
समझाया आपको, ये किसका फॉर्मूला है यार, 3n का, SF3n का, और SF3n किसके इक्वल है, SF3 के, तो ये भी SF3 तो लिखना था लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड उठा ली मैंने इसकी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड क्या है SF3, तो ये SF3 आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड सम। नाउ वी विल डू फोर्थ सम। फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर डिविजिबल बाय 7, उन नंबर का सम फाइंड आउट करना है इसके बीच में जो 7 के साथ क्या है डिविजिबल है। अब सबसे पहले तो जो इसके साथ 7 के साथ डिविजिबल होंगे इसमें ना, सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, 201 आ जाएगा। देखो 203 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 7 टू 14 यही आएगा, उसके बाद 210 आ जाएगा, फिर 217 आ जाएगा, सो लास्ट नंबर भी ढूंढने एक आसान हो जाएगा थोड़ा। देखो 7 के साथ डिविजिबल है, 399 आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तो मैं लगा सकता हूं सीधा, सम का कौन सा, अब इनका सम करना है ना, इसका सम एस एन, लेकिन एन की वैल्यू क्या लेंगे ये प्रॉब्लम है, सिर्फ एन निकालना है अपना और कुछ नहीं है। हाउ यू विल फाइंड आउट एन, यहां से निकाल लो, लास्ट टर्म मुझे पता है ये लास्ट टर्म, लास्ट क्या है 399, तो इसको क्या लिखते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये सारा कुछ आप लिख दोगे कि हियर ए इज दिस एंड डी इज इक्वल टू 7, सो दिस मेक्स एन एपी है ना, तो नाउ व्हाट विल बी देयर ए एन, ये क्या है 399, ए कितना था 203 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना था 7, पहले 203 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इधर आके माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा 6, 9 और 1 यही आएगा देखो, यस, और 7 इधर आके क्या हो जाएगा फिर, ये आ गया ना 7 इंटू n माइनस 1, 7 इधर आके क्या हो गया डिवाइड इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये क्या हो गया 7 टू 14, 7 8, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 29, n की वैल्यू क्या होगी 29, तो अब यहां पे आप क्या लिखना है सिर्फ व्हाट यू हैव टू डू S29, तो ये क्या हो जाएगा n बाय टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगा दो आप, तो ये क्या है n क्या है 29 बाय 2, और ए कितना है व्हाट इज ए 203 प्लस लास्ट टर्म क्या है 399, इसको प्लस कर लो आप और निकाल दो आंसर यहां पे, इसको 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 और 6 अंडर 2 आ जाएगा ना, 2 3 0 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेना वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आ ही गया यार 29 ही आ जाएगा, 29 3 21 27, ये आना चाहिए आंसर 8729 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप कर लोगे ना, ये था फोर्थ सम। नाउ विल डू फिफ्थ सम। अभी स्टार्टिंग में इसमें सम अच्छे हैं, थोड़े मतलब इजी हैं, थोड़े बीच में जाके थोड़े आते हैं इसके सवाल अच्छे। ठीक है, तो ये तो टेंथ बेस्ड है, आपको खुद भी कर लेने चाहिए थे। यस, फिफ्थ सम, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5, ये अच्छा सवाल है। 1 to 100 के बीच में नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5, जो 2 और 5 के साथ डिविजिबल हो उनका सम निकालना है। ठीक है, 2 और 5 के साथ सबसे पहले मैंने नंबर्स लिख लिए विच आर डिविजिबल बाय 2, इसके बीच में उन नंबर्स का सम निकालना है जो 2 के साथ भी डिविजिबल हो और 5 के साथ भी, 2 के साथ या 5 के साथ, मतलब दोनों में से किसी एक के साथ तो हो ही हो ना, दोनों के साथ हो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि विच आर नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 1 टू 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ठीक है, 2 और 5, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो पहले मैंने वो नंबर लिख लिया जो 2 के साथ डिविजिबल है, 2, 4, 6, 8, 10, सो ऑन, ये नंबर आ गए, इसका सम अलग से निकाल दूंगा
और नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 वो कौन से होंगे, 5 10 में लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि 10 इधर आ गया है ना, ऐसे तो 10 भी डिविजिबल है 5 के साथ, लेकिन सिर्फ वो नंबर लिख रहा हूँ ना 10 वाले, 10 तो इधर भी आ गया, 10 नंबर इधर आ गया ठीक है, अब वो 10 5 के साथ डिविजिबल था तो इधर आ गया एक बार, दोबारा थोड़ी लूंगा मैं, तो अब ये कौन से रह गए, तो ये रह गए 5 15 25 35 और लास्ट में जाके क्या बचेगा 95, ये नंबर बचे ठीक है, ये नंबर बचेगी, अब इनका सम निकालूंगा ठीक है, तो सम कैसे निकालोगे, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या आएगा बिटवीन है तो 98 आ जाएगा यहाँ पे, अब इनका सम अलग से निकाल दो, इनका सम अलग से निकाल दो ठीक है, अब ये 1 to 100 ये कितने नंबर बनेंगे, 50 बनेंगे मेरे ख्याल से, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 50, आप निकाल भी सकते हो यहाँ से an इज इक्वल टू 98 करके आप निकाल दो यहाँ से n की वैल्यू मेरे ख्याल से 50 ही बनेगी है ना, ये नंबर क्या आएंगे 50 आएंगे, सो n इज इक्वल टू क्या हो गया 50, तो आप sn निकाल दो, s 50 बाई 2 into 2 हो गया प्लस n माइनस 149 into d कितना है 2, तो ये आ गया 225 आ गया यहाँ पे 25, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 प्लस 98 ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 25 into 102 हो जाएगा ये ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 25 दूना 50 25 ये आ गया, अब ऐसे ही इसका सम निकाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे n आएगा आई थिंक देखो 10 आना चाहिए n ना 10 आएगा नहीं 10 नहीं आएगा यार, ये आएगा 5 15 अरे ये निकाल भी सकते हो आप यहां से निकाल भी देखो 5 15 25 35 45 65 75 85 95 10 आ गया, तो यहां भी इसका सम निकाल दो एस 10 एन बाई 2 ए प्लस एल, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो, ये यहाँ पे भी लगा सकते थे हम ए प्लस एल वाला है ना, क्योंकि लास्ट टर्म भी पता है फर्स्ट टर्म भी पता है, तो आप ये लगा दो यहाँ पे एन कितना हो गया 10 बाई 2 ए कितना है 5 लास्ट कितना था 95, तो ये क्या हो जाएगा 10 बाई 2 into 100 तो ये क्या हो गया 50 500 आ रहा है, ये 500 है ना, क्या आ जाएगा 500, अब इन दोनों का सम कर दो इसका और इसका ठीक है, प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3050 क्या आ जाएगा 50 इसका आंसर होना चाहिए, चेक कर लेना भैया एक बार ठीक है, अब देखते हैं हम 6th सम, नाउ विल सी 6th सम, देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 जील्स 1 एज अ रिमाइंडर, करा फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर, जितने भी टू डिजिट नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करो, वो नंबर कौन से होने चाहिए, अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 है, समझाई मेरी बात, वो ये कह रहा है ऐसे नंबर कौन से, ऐसे नंबर्स का सम फाइंड आउट करो टू डिजिट नंबर्स का, टू डिजिट नंबर्स का सारे का नहीं, सारे तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, जिनको अगर 4 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर क्या है 1 आए ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं टू डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा 12 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0, लेकिन कौन सा नंबर लेना हमने जहां पे रिमाइंडर क्या है 1, तो पहला आ गया 13 उसके बाद 17 आएगा फिर 21 आएगा ऐसे ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 99 आई थिंक 99 लास्ट, इसको 4 के साथ डिवाइड करोगे देखो तो क्या आ जाएगा 4 2 8 1 4 4 16 नहीं यार ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे आई थिंक 97 आना चाहिए, अगर यहाँ पे 97 होता तो ये क्या आ जाता यहाँ पे 4 4 16 रिमाइंडर क्या आता 1, ये आएगा 97 ठीक है, अब इनका सम फाइंड आउट कर लो, ये क्या बना रही है वो आपने बात लिखनी है इसमें कि दिस मेक्स एंड एपी ए इज दिस एंड डी इज 4 है ना, तो अब ये पहले वो एन निकालो, एन कैसे निकालोगे ए एन इज इक्वल टू 97 सो ए प्लस
ये सब आपको आता है एन माइन, इसलिए मैं इतनी जल्दी करवा रहा हूँ ये। तो ए की वैल्यू क्या है 13 प्लस एन निकालना है डी 4 इज इक्वल टू 97। तो 13 उधर चला जाएगा, 13 उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 110। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 8 और ये कटेगा नहीं यार, कहां पे गड़बड़ कर दी। ए क्या था 13, 13 उधर जाके प्लस नहीं होगा यार, माइनस होएगा। 13 इधर क्या होएगा, माइनस होएगा, ठीक है। 13 इधर क्या होना है, माइनस होना है, मैंने प्लस कर दिया। एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 13 माइनस हुआ तो क्या हो गया 84। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 4, 4 टू सा 81। देखो हम ना आपसे एग्जाम में गलती होती होगी ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए यार। अब मुझे पता चल गया था, आपको डिवाइड ही नहीं हो रहा था 4 से। अगर डिवाइड नहीं हो रहा था तो मेरा क्वेश्चन ही निकलना था, क्योंकि ये मेरे पास समझा गई ना, वो पॉइंटों में आ रहा था यार, डी एन पॉइंटों में आया था, एन पॉइंटों में आता नहीं, तो मैंने देख लिया मैंने कहीं पे गलती किया। तो इस तरह से मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, आप खुद देख सकते हो कि कहां पे मिस्टेक हो रही है ना, पता चल जाता है यार। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया 22, ये माइनस वन दिया क्या हो गया प्लस टू। तो अब यहां पे निकाल दो एस 22 एन बाय 2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगा दो। तो एन कितना है 22 बाय 2, ए कितना है 13 प्लस 97। तो ये क्या आ गया, इसकी कटिंग कर दूं और दो 11, ये 100 क्या आ गया 10, तो 0 11 11 जा 2 21 नहीं 121 होता है, 1 2 1 0 आ जाएगा आंसर, इसका आना चाहिए। आप चेक कर लेना इसका आंसर, 12 10 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप चेक कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं हम अपना सेवन सम देखेंगे। सेवन सम देखिए, सेवन सम ये थोड़ा अलग से तरीके से दे रखा है लेकिन है आसान। ये देखो, इफ एफ इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग, कोई फंक्शन है एफ सेटिस्फाइंग किसको कर रहा है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा कोई ऐसे है ना, सच डेट एफ वन की वैल्यू दे रखी है 3 एंड ये कंडीशन लगा दी समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू 120 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ये कंडीशन है ही होंगे। एक्स एफ एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या लेनी है पहले 1, 1 टू एन लेनी है और एक इसके इक्वल है 120 के। समेशन मतलब जोड़, किसका, अब वो निकालना है मुझे ना। देखो इधर सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 ले लू मैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कह लू 1, तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 क्या है 3, तो पहली टर्म यहाँ पे क्या बन गई जी 3 बन गई प्लस। अब दूसरी टर्म लिखो, अगर एक्स की वैल्यू क्या ले ले 2, एफ ऑफ 2 लिखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू पहले 1 ली यार, एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाली 2। अब एफ ऑफ 2 कितना होगा ये देखना है, एफ ऑफ 2 कितना होगा वो देखो, वो उसके लिए उन्होंने ये दे दिया है ना, यहां से निकालेंगे देखो एफ ऑफ 2, और वो इसको सेटिस्फाइड करता है, देखो इसको क्या करता है सेटिस्फाइड। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे एफ ऑफ 1 प्लस 1 लिख दिया जी, तो ये क्या होगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ वाई है ना, एफ वाई भी है यहाँ पे, तो आप क्या लिख दो देखो इधर ध्यान से देखो, यहां पे कंडीशन क्या थी यही थी ना, एफ ऑफ 1 प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 ये है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स है और वाई है, ये एक्स भी 1 है वाई भी 1 है, इस बात का ध्यान रखना आपने, ये एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, तो एक्स यहाँ पे 1 है वाई भी क्या है 1 है, ये इस बात का ध्यान रखना बस। तो एफ ऑफ 1 आ गया, तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ 1 कितना था 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 9, तो यहाँ पे क्या आ गया एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दू, क्या पुट कर दू 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू देखो, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी,
एफ ऑफ थ्री को फिर मैंने ऐसे लिख दिया, देखो एफ ऑफ वन प्लस टू, ठीक है। अब इसको x की जगह पे वन है, y की जगह पे क्या है टू है, वेरी सिंपल। तो आप इसको लिख दो एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू, ठीक है। तो एफ ऑफ वन कितना है, एफ ऑफ वन कितना था थ्री, एफ ऑफ टू कितना है, एफ ऑफ टू अभी निकाला था ना, देखो एफ ऑफ टू एक तो चल रहा था, ये एफ ऑफ टू कितना है नाइन, तो इंटू नाइन कर दो, तो ये क्या आ जाएगा ट्वेंटी सेवन। तो यहाँ पे ये क्या आ गया ट्वेंटी सेवन डैश डैश अप टू एन तक, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 120 अप टू एन टर्म तक। अब और एक आधी निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, तो मुझे यहां से पता चल गया बस ये है, ठीक है। तो ये आप यहां से रब कर दू या देख लो अपना अभी। अब ये क्या है, नाउ दिस इज, ये एपी है नहीं है, एपी तो नहीं है, ये क्या है जीपी है। देखो नाइन अपॉन थ्री करोगे तो क्या मिलेगा थ्री, ट्वेंटी सेवन अपॉन नाइन करोगे, रेशियो निकालो तो क्या मिलेगा थ्री, रेशियो कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया जीपी बन गया। वट इज दिस जीपी, अब ये जीपी बन गया, सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ जीपी एन की वैल्यू निकालनी है ना एस एन, तो ये क्या है ए आर इज पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 120, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया था ना, एक्स इजिकल टू वन टू एन है, एफ वन पुट करोगे पहले एक्स की वैल्यू वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव ऐसे एन, उसका सम इज इक्वल टू 120 है। तो मैंने वन टू थ्री की वैल्यू निकाली यहां से और उसको प्लस कर दिया। अब ए की वैल्यू क्या है थ्री, और आर कितना आ रहा था, आर भी थ्री आ रहा था, थ्री आएगा ना आर, तो इसकी पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 120। अब इसको सॉल्व करो पहले, थ्री रेज पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये टू आ जाएगा, टू उधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो टू जीरो जीरो टू टू जर फोर टू आ गया, तो थ्री इधर आगे क्या हो गया डिवाइड हो गया थ्री, तो ये क्या आ गया एट जीरो एट्टी आ गया। सो थ्री रेज पावर एन इज इक्वल टू 81 हो जाएगा, कैसे हो गया भाई, ये वन उधर क्या हो गया प्लस हो गया, तो अब ये क्या आ जाएगा थ्री रेज पावर एन इज इक्वल टू 81, तो थ्री रेज पावर एन इसको क्या लिख सकते हो आप, थ्री की पावर सिक्स आई थिंक, थ्री थ्री था नाइन, नाइन नाइन 81, तो अब ये बेस सेम हो गया तो पावर क्या आ गई एन इज इक्वल टू क्या आ गया सिक्स आ गया जी हमारे पास, एन की वैल्यू क्या आ गई सिक्स वैल्यू आ गई हमारे पास एन की, नहीं थ्री सिक्स नहीं आएगा यार फोर आएगा, यहाँ पे थ्री थ्री नाइन फोर आएगा, फोर थ्री रेज पावर 481 होता है ना, तो एन की वैल्यू क्या आ गई फोर आ गई, ठीक है। आंसर चेक कर लिया करो एक बार, यहां से दिखाई दे रहा था, यस बिल्कुल दिखाई दे रहा है सही। सो नाउ व्हाट इज देयर, ये था हमारा कौन सा सम, आई थिंक इट वॉज सेवन सम, ये सेवन सवाल था, मेरे ख्याल से समझ आया होगा आपको ना अच्छी तरीके से। नाउ एट्थ करते हैं, रीड द एट्थ सम, एट्थ सम पढ़ो ध्यान से, एट्थ एट्थ देखेंगे, एट्थ सम देखो, यस एट्थ में देखते हैं क्या है। द सम ऑफ द सम टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 315 एसएन है, हूज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर 5 एंड 2, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सो बहुत आसान सवाल लग रहा है मेरे को, ये सब कुछ दे रखा है, तो एट्थ सम है, देखते हैं कैसे होगा। द सम ऑफ द सम टर्म्स ऑफ जीपी एस एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है 315, ठीक है। हूज फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म क्या है 5 एंड द कॉमन रेशियो आर, आर की वैल्यू क्या है 2, तो देखो ए और आर की जरूरत होती है ना एन निकाल लें तो यहां पे सब कुछ हो जाएगा। एस एन ए का फॉर्मूला ये है, एस एन ए का फॉर्मूला क्या होता है ए आर इज पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 315, तो यहां पे ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या आएगी 5, ये क्या हो गया आर इज पावर एन माइनस वन अपॉन आर कितना है 2 है ना, यहां पे क्या कर दो 2 की पावर एन, 2 माइनस वन 1 हो गया इज इक्वल टू 315 हो गया जी, तो 2 रेज पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 315 अपॉन 5, तो ये क्या आ गया 5 6 30, 5 3 15, सो
सो टू रेज पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया 64 हो गया, माइनस वन उधर क्या हो गया प्लस, तो ये माइनस वन भी यहां से उठा दू, टू रेज पावर एन इज इक्वल टू क्या हो गया 64, टू रेज पावर एन इज इक्वल टू 64 मतलब टू की पावर क्या लिखोगे 6 लिखोगे आई थिंक, टू टू जार फोर टू जार एट, हाँ तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया जी। एन की वैल्यू पता चल गई, बस अब तो आसान ही है आगे, आगे क्या करोगे, आगे क्या करना था, फाइंड द लास्ट टर्म एट द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गई हमें, एन इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, तो उसके बाद nth टर्म क्या निकालोगे, ए इसमें क्या होता है ए आर एन माइनस वन, ये होती है ना टी एन टर्म, तो यहां पे निकाल दो ए कितना है ए 5 है, आर कितना था 2, एन कितना है 6 माइनस वन 5, तो ये कर दो 5 इंटू टू रेज बार टू टू जार फोर, फोर टू जार एट एट टू 128 आएगा आई थिंक, टू टू जार फोर, फोर टू जार एट एट टू जार दो दुनी चार दुनी आठ दुनी 16 दुना 32 32 आएगा सॉरी 32, तो ये क्या आ जाएगा 5 टू जार 10 160 आ गया ये एन टर्म, ए एन टर्म कितनी आ गई 160, ठीक है। तो आसान सवाल था ये भी, नो प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट सम नाइन्थ, नाइन्थ सम नाइन्थ देखेंगे सारे बच्चे, नाइन्थ में देखो क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज वन, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, एक जीपी है उसमें फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं हम ए, सम कौन सा है जी ये नाइन्थ, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज वन है ना, वन आ गई, एंड द सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म टी थ्री एंड टी फाइव इज इक्वल टू, अरे इक्वल टू सीधा डालो भैया, इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, इसका सम क्या दे दिया जी 90 दे दिया, तो क्या निकालना हमने, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी, कॉमन रेशियो निकालनी है ना, कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी, तो निकाल दो ये टी थ्री है तो इसको क्या लिखोगे ए आर स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा ए आर इज पावर 4 इज इक्वल टू 90, तो ए की वैल्यू क्या है 1, नो प्रॉब्लम 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस आर 4 इज इक्वल टू 90, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया, आर 4 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 90 इक्वल टू 0, देखो अब ये सवाल है, ये आपने कर रखा होगा कहां पे, फैक्टराइजेशन नहीं करनी है यार, फैक्टराइजेशन कैसे कर दो, फैक्टराइजेशन सुनो इधर, मैंने मान लिया लेट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स मान लिया, ये आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस यहां पे आर स्क्वेयर एक्स है तो एक्स आर फोर है, आर स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर, ठीक है तो एक्स स्क्वेयर आ गया, ये क्या आ गया एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0, इसको कर लो बस, अब है ना, अब क्या लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90, इसके फैक्टर बना दिए सिर्फ मैंने, कुछ नहीं किया और, तो एक्स एक्स प्लस 10 माइनस 9 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ गया एक बार, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा एंड एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मैं 9 ले लू क्योंकि 10 तो हो नहीं सकती क्योंकि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या था एक्स था, ठीक है तो ये मैं माइनस 10 करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट अ रियल नंबर है ना, मुझे रियल नंबर चाहिए, तो ये तो निगलेक्ट कर दूंगा, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया 9, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3, आई थिंक यही निकालना था है ना, दिस ओनली यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो ये थे आज के अपने 9 सवाल है ना, 10th से हम फिर शुरू करेंगे, तो आप करो ये 9 सवाल है ना, अच्छे हैं, अगर आपको समझ आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि आई अंडरस्टूड सर, कई बच्चे बताते हैं बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर किसी में प्रॉब्लम भी है तो वो भी लिख के भेज सकता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ट्राई करूंगा सॉल्व करने की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।